आजकल फोन में इधर ऐड उधर ऐड बहुत ज्यादा ऐड आने लग गए। कहीं मेरे फोन में भी वायरस तो नहीं आ गया? एजेंट स्मिथ, क्या करें इस वायरस को निकालने के लिए? धो डालते हैं फोन को, डिटॉल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। जी हाँ, फिलहाल जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है एक वायरस जिसका नाम है एजेंट स्मिथ। हाँ, ये वैसे लगता है कि एजेंट विनोद जैसे कोई जासूस का नाम है, लेकिन ये जासूस का नाम नहीं, एक वायरस का नाम है जो आपके किसी भी मोबाइल डिवाइस के अंदर हो सकता है। ये किस तरीके से आता है और ये आपके फ़ोन में क्या करता है, इसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये एजेंट स्मिथ? बेसिकली एक वायरस है जो आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड होता है। कोई भी आलतू फालतू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कहीं से भी जो आपके स्क्रीन पे पॉपअप आता है उसे यस कर देते हैं, तो ये ऐसी कहीं से भी एक एपीके फाइल आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाती है। अभी तक गूगल ने भी इसका कोई सिक्योरिटी पैच नहीं दिया, गूगल भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इससे होता क्या, बेसिकली मैं ये आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी जो एप्लीकेशन है जो आप नॉर्मल यूज में अपने फ़ोन में काम में लेते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप काम में लेते हैं, VLC, MX प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, जो भी आप काम में लेते हैं, उन फाइल को ये क्रैप्ट कर देता है और वहाँ पे आपको जो है ऐड आनी शुरू हो जाती है और आपके फ़ोन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक कोई एंटीवायरस इसका नहीं आया जो इसको आपके मोबाइल से रिमूव कर सके। यदि आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल के अंदर यूजुअल से ज़्यादा ऐड आ रही है, जिन एप्लीकेशन में आपको ऐड नहीं आनी चाहिए उन एप्लीकेशन में भी ऐड आ रही है, तो मेरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने मोबाइल को जो है डिटॉल से ना धोएं, उसे फॉर्मेट कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और इनका जो क्या है कि अभी आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ जाता है या आपकी डिवाइस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एड जो है एडवर्टाइजमेंट है वो आपको शो करने लग जाता है, इससे क्या हो रहा है कि इन्हें इनकम हो रही है। लेकिन इनका इनके पीछे मकसद क्या है इस वायरस का, ये अभी तक जाहिर नहीं हो पाया है। ये वायरस क्या करना चाहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक नहीं पता चल पाया है। हो सकता है ये आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो है लेना चाह रहे हो, या फिर आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो आपकी लेना चाह रहे हो, या फिर क्या करना चाह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो वायरस है बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपकी डिवाइस के अंदर यदि आपको लग रहा है कि यूजुअल से ज़्यादा ऐड आपकी मोबाइल में आने लग गए हैं, तो आपसे निवेदन है आप अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट कर लीजिए डेटा को सिक्योर करके। अब ये है कि इस वायरस से बचा कैसे जाए, आप क्या करें कि आपके मोबाइल के अंदर ये वायरस नहीं आए। सबसे पहले तो आपको ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी एप्लीकेशन या जो भी आप कंटेंट डाउनलोड करते हैं ट्रस्टेड वेबसाइट से आप डाउनलोड करें, और यदि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो वही एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो गूगल के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यदि आप एंड्रॉइड यूज़ करते हैं, यदि आप आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, जो वहाँ के ऐप स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है वही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और किसी अदर सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके अलावा यदि मैं आपको कहूँ तो आपसे सिर्फ यही है कि आप ध्यान रखें अपने फ़ोन का, और जो पॉपअप आते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आते हैं अपने मोबाइल को बचाइए आपका मोबाइल ख़राब हो गया या ऐसे वैसे पॉपअप आते हैं, उन पे क्लिक बिल्कुल भी ना करिए। और जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसे जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगता है, तो उन परमिशन में वही परमिशन अलाउ करें जो आपको लगता है कि सच में आपके एप्लीकेशन को नीड है। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके कैमरा एक्सेस के लिए आपसे मांगता है, तो उसे आप अलाउ कर सकते हैं क्योंकि आपका कैमरा एक्सेस नहीं करेगा, तो आप उसे फोटो क्लिक करके कैसे भेजेंगे, वीडियो क्लिक कैसे करेंगे। लेकिन कोई ऐसा एप्लीकेशन है, कोई वेदर का एप्लीकेशन है, वो आपकी कैमरा की एक्सेस मांग रहा है, माइक्रोफोन की एक्सेस मांग रहा है, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर दें, उसे कंटिन्यू ना करें। इसके अलावा आपके जैसे ही आप अपने मोबाइल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा अननोन सोर्स को जो है आप अलाउ करें या डिसअलाउ करें, तो उसे अलाउ मत कीजिए, उसे डिनाई कर दीजिए, ताकि कोई भी एप्लीकेशन यदि आपके फ़ोन के अंदर बिना प्ले स्टोर के आता है तो वो जो है इंस्टॉल ना हो। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, नीचे के दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो वायरस है ये कम से कम डिवाइस में जा सके। इतना ही, धन्यवाद।